गांजा मांगे दही दूध हफी मांगे घी और शराब मांगे लात जूता समझी बुझी के पी। खैनी खाने वाले आदमी तो एक नंबर का स्टैंडर्ड भिखमंगा, ओकरा लाज भी नहीं लगे कलो नहीं खेल सिलवरिया थरिया खैनी खाने वाले आदमी कभी हाथ नहीं धोते हैं, अशुद्ध रहते हैं। पटल न तोरा हम कल पटा दिली 6 घंटा लगल ठीके लगल 6 घंटा। अब विचार खैनी क्यों खाते हैं? दुनिया तो छोड़िए, जो आदमी कबीर मत से दीक्षा लिए हैं, जो आदमी संत मत से दीक्षा लिए हैं, जो आदमी रामानंदी से दीक्षा लिए हैं, जो आदमी शिव शिष्य हैं, जो आदमी निरंकारी में हैं, जो आदमी शिव नारायण स्वामी में हैं, दीक्षा लेने के बाद भी थर सिरिंग देते हैं। विचार क्या? जो अनभेदी हैं, जो दीक्षित नहीं हैं, तो चलिए भाई वो तो अज्ञान में हैं, लेकिन आप तो ज्ञान ले लिए हैं, फिर भी ऐसा काम क्यों करते? दीक्षा लेकर जो खैनी खावे, दीक्षा लेकर जो बकरी पोसे, दीक्षा लेकर जो यार काटे, दीक्षा लेकर टटिया इधर धकियावे, दीक्षा लेने के बाद दूसरे को देख करके जले, लड़ाई करे, गाड़ी दे, बेईमानी करे, तो भगवान को भी सोचना पड़ेगा इसको कौन सा नरक में दिया जाए। क्योंकि भागवत महापुराण में 28 प्रकार के नरक का वर्णन है, इसलिए संत महात्मा कहते हैं कि दीक्षा लेने लिए हैं तो काजू खाइए, किशमिश खाइए, सेब खाइए, अनार खाइए, दूध खाइए, पेड़ा खाइए। काजू खाने से बाजू मजबूत, किशमिश, जो आदमी किशमिश लेंगे मुंह में नहीं क्रीम लगते तैयो मुंह झकाझक करते, लेकिन किशमिश सेब या अनार खाइएगा तब तो खाइएगा। मधु गुटका, मधु गुटका राजनिवास खाने वाले का मुंह देखिए, मुंह जो महके छे लगे छे मराठा अगरबत्ती रंग, कत तक तक गाले गायब भग ले, बाल जे कटवे छे बोलो ने खाली आगू छिप्पा छोड़ी दे छे, इन्ने लजे भैंसी चली दे छे, जीन जे पिन्ह जे ठौना पर 3 जगह भांग लो। इसलिए जीवन में चाहिए, हम लोग भारतवासी हैं, भारत की संस्कृति सभ्यता में रहना चाहिए। मन को निर्मल बनाइए, सुंदर भोजन कीजिए, सुंदर काम कीजिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए 8 बजे जलपान कीजिए, 12 बजे में भोजन कीजिए, 4 बजे में भुज्जा खाइए, 9 बजे रात में भोजन करके सो जाइए, 3 बजे भोर में भजन करने के लिए जग जाइए। यखक आदमी 8 बजे दिन तक सुतले रह जे बुझो कुंभकर्ण के फुफेरे भाज के। कुछ माँ बहन है देहोम रौदा लागे जे तब बोढ़नी उठे, सूर्य उदय होने से आंगन घर में बोढ़नी पड़ना चाहिए ताकि बोढ़नी का दर्शन सूर्य भगवान को नहीं हो जाए। 4 बजे भोर में जग करके जो टहलते हैं, पानी पीते हैं, वह आदमी स्वस्थ रहते हैं, सुबह का हवा यड़रिया का दावा बात बराबर। च
चलिए हम सुना रहे थे, अपने शरीर को स्वस्थ रखना मनुष्य का पहला धर्म है। दूसरा धर्म है कि 24 घंटा मनुष्य को सत्य बोलना चाहिए।